लोकसभा के चुनाव के परिणाम आने के बाद से ही महायुति में लगातार खींचतान देखी जा रही है। बयानबाजी दोनों तरफ से हो रही है। छगन भुजबल जो अजीत पवार गुट के वरिष्ठ नेता है, उनका ताजा बयान आया है कि 4 सीटें ही महाराष्ट्र में हमें दी गई थी, तो ऐसे में 48 सीटों पे जो बीजेपी की हार हुई है या महायुति की जो हार हुई है, उसके लिए हम ही अकेले कैसे जिम्मेदार हो सकते हैं, और उत्तर प्रदेश में अगर हम लोग नहीं थे तो बीजेपी वहां पर कैसे हारी। इस बारे में हमारे साथ बात करने के लिए एनसीपी शरद चंद्र पवार पार्टी के वरिष्ठ नेता और चीफ व्हिप जितेंद्र अवार्ड जी, उनसे बात करते हैं। सर, जब से महायुति की हार हुई है महाराष्ट्र में, नंबर्स अकॉर्डिंग उनके जो एक्सपेक्ट किए थे वो नहीं आए हैं, उसके बाद से आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू है। सबसे ज्यादा निशाने पर अजीत पवार है या उनकी पार्टी है, चाहे ऑर्गेनाइजर के आर्टिकल को लेकर बात करें या दूसरे जो नेता है अंदर बीजेपी के, उनके बयानों को देखें, किस तरीके से देखते हैं? लोकसभा में जो चुनाव जीता जाता है, चुनाव लड़ा जाता है, वो राष्ट्रीय पॉलिसीज के पट पर लड़ा जाता है। महंगाई थी, महिलाओं पे बढ़ता अत्याचार था, मणिपुर का विषय था, बेरोजगारी थी, ये मुद्दे थे इस चुनाव के। और ये चुनाव के मुद्दे जो थे, महंगाई हर घर में वो मार बैठती थी, बेरोजगारी, माँ बाप अपने बच्चा इंजीनियर है लेकिन घर में बैठा हुआ दिखता था, तो लड़के में भी एक प्रकार का गुस्सा था और माँ बाप के दिलों में भी गुस्सा था, वो निकल के बाहर आया। मैं अजीत पवार विरोधी गुट का हूँ, मैं पवार साहब के साथ रहा हूँ और पवार साहब के साथ ही रहूंगा, लेकिन मुझे दुख इस बात का है, उत्तर प्रदेश में पराभूत हुआ बीजेपी। किसी को उंगली दिखा रहा है कि तुम्हारे कारण पराभूत हुआ? हिम्मत है योगी के ऊपर उंगली उठा? ये अजीत पवार तो सॉफ्ट टारगेट बन गए। और दुख की बात यह है, छोटे छोटे विषय में कुदी मारने वाले उनके जो समर्थक है अब कहां गायब है। हम तो ऑर्गेनाइजर के बारे में जब बात करते हैं, संविधान की जब बात करते हैं, तो हम खुल के कहते हैं कि 1950 के ऑर्गेनाइजर में आया था कि मनुस्मृति ही हमारा संविधान है, उसमें ही आया था कि तिरंगा में 3 रंग है तो 3 अकड़ा अशुभ है तो हम तिरंगा नहीं मानते हैं। हम खुल के आज भी उसका विरोध करते हैं। विरोध सिलेक्टिव नहीं होना चाहिए, चुन चुन के विरोध नहीं किया जाता है। विरोध अगर जैसे पवार साहब के खिलाफ कोई भी बोले, जैसे अजीत पवार बोले, 2 मिनट में मैंने जवाब दे दिया। इसको निष्ठा कहते, इसको प्यार कहते हैं नेता के बारे में। स्वार्थ के लिए जब लोग जाते हैं ना, तो प्यार की अपेक्षा ही नहीं होती है, हमारा कोई स्वार्थ नहीं है। आपको लग रहा है कि ये जो अंतर खींचतान चल रही है, अभी सुनीता पवार जी को जो है राज्यसभा का टिकट दे दिया गया और वो अब अंदाजा लगाया जा रहा है कि 18 जून को, क्योंकि वो निर्विरोध हैं, वो उनका नाम का ऐलान भी हो जाएगा, उसको लेकर भी छगन भुजबल ने अपनी नाराजगी जताई थी, तो आपको लग रहा है कि आने वाले समय में एक चीज मैं मानता हूँ कि शरद पवार मिलता छगन भुजबल एक मर्द आदमी, उसने बराबर बोला कि उत्तर प्रदेश में तुम्हारा पराभव हुआ तो कौन जिम्मेदार है और इधर हमारा तुम्हारा पराभव हो तो हम जिम्मेदार है, बराबर बोला उन्होंने। उन्होंने पार्टी के सब पार्टी के खड़े सामने खड़े रहे ना बचाने के लिए पार्टी को, कौन नेता है, सब स्वार्थी हैं। बोलो ना आप जो बात करते दिल्ली इधर उधर मंत्रिमंडल में जाने की, उनको बोलो बोलो करके, कौन बोलता है देखो। उनको कोई नहीं पड़े अजीत पवार की, उनको अपनी पद प्रतिष्ठा बस उसमें ही लगे हुए हैं, कोई अजीत पवार भी और मायने नहीं रखता उनको। महायुति के आने वाले विधानसभा चुनाव में किस तरीके से देखते हैं सर, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस ने अभी जो है 2 दिन पहले बयान दिया था कि हम खेल से बाहर नहीं हुए, हम हारे जरूर हैं और हम बाउंस बैक करना जानते हैं, इसको किस तरीके से देख रहे हैं आप? मीटिंग्स लगातार हो रही हैं, समीक्षा हो रही है विधानसभा चुनाव को लेकर, आज भी उनकी बैठक चल रही है, क्या कहेंगे? मेरी खुद की एक कहावत है, उम्मीद पे दुनिया कायम है। उम्मीद तो हर आदमी रखता है कि मैं ही जीतूंगा, मैं ही जीतूंगा, मैं ही जीतूंगा। ये तो पहले बोल देते थे 45, फिर 42, फिर 40, ऐसे करते 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 आ गए 17 ही। हर टाइम तुम्हारा गणित सक्सेसफुली होगा ऐसा तो होता नहीं। अन्ना हजारे सर अब कोर्ट पहुंच चुके हैं, जो
मामला जिसमें अजीत पवार को क्लीन चिट दे दिया गया था, उस मामले को लेकर बैंक घोटाले का जो मामला है उसमें उन्होंने पिटीशन भी फाइल कर दी है, कोर्ट ने भी उसकी रजामंदी दे दी। ना जरे एक पर्टिकुलर आदमी को लेके ही काम करते हैं, उनको जब कान में कहा जाता है कि अब ये काम करना है तब वो काम पे लग जाते। अन्ना हजारे की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। 5 साल में कुछ हुआ ही नहीं क्या इस देश में? 10 साल में कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ जो अन्ना हजारे को दिखाई नहीं दिया? अन्ना हजारे बोले क्या इधर का स्कैम क्या हुआ बीएसई का, स्टॉक एक्सचेंज का? अन्ना हजारे इलेक्टोरल बॉन्ड्स के ऊपर बोले क्या? ऐसे गिने चुने अपने हाथ में आए मुद्दों को लेके आदमी जब बात करता है तो उसके चरित्र पे संशय आ जाता है, क्वेश्चन मार्क आ जाता है, उसकी ईमानदारी को शक के दायरे से देखा जाता है। और मैं तो देख ही रहा हूं। सर, देश भर में इस समय सबसे ज्यादा चर्चा नीट एग्जाम को लेकर हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि ये कहा है कि जो ग्रेस मार्क दिए गए थे उसमें गड़बड़ी थी जिसकी वजह से 1563 बच्चों को री एग्जाम को दिया है, आप कैसे देखते हैं इस पूरे मामले? ऐसा है, नीट इज अ स्कैम, नीट एग्जाम स्कैम है, स्कैम। गिने चुने लोगों को जिनके पास पैसा था, ऐसे पैसे वाले के लोगों बेटों को बेटियों को वहां एडमिशन मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने इसका ये सीरियसली लेना चाहिए और उसमें सुप्रीम कोर्ट द्वारा मॉनिटर्ड इंक्वायरी होनी चाहिए। अगर शिक्षण क्षेत्र में, तालीम के क्षेत्र में, पढ़ाई में अगर ऐसे वसीले और पैसे का काम होने लगा तो गरीब बच्चों का क्या है, मैंने उनके भाग्य में क्या लिखा है? तो गरीबी सबसे बड़ी शत्रु बन जाएंगी। एक हम नस्ल तैयार कर रहे हैं गुनेगारों की, क्यों? जो अन्याय होगा, न्याय से वंचित होगा वो क्या करेगा? भाई मुझे अन्याय नहीं हो, सहन हो रहा है, जला डालूंगा गांव, जल जाएगा मेरा एक झोपड़ा और जलेगा तो सारा गांव। ये हालात जो पैदा कर रहे हैं, ये हालात आने वाले दिनों के लिए अच्छे नहीं है। आदमी एक एक साल डेढ़ डेढ़ साल पढ़ाई करता है, एग्जामिनेशन को जाता है, बेचारे का बाप उसको रिक्शा साइकिल के लिए पैसा देता है, उसको दिखता है कि मेरे माँ बाप कितने गरीब है, और फिर सब इतना करने के बाद जब उसके कान पे बात आती है कि बड़े बड़े उद्योगपति के बड़े बड़े लोगों के बच्चे गए हैं तो उसके इधर क्या गुजरती होगी, कोई सोचता ही नहीं। आखिरी सवाल सर, महाविकास अघाड़ी की असेंबली इलेक्शन जो आने वाली हो किस तरीके की तैयारी है? क्योंकि सवाल अब इसलिए भी उठने लगे हैं सर क्योंकि उद्धव ठाकरे अपने पार्टी की पूरी समीक्षा करते हैं 288 सीटों को लेकर, और उनके जो नेता हैं संजय राउत एज अ भविष्य में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होंगे इसका भी उन्होंने दावा कर दिया है, तो ये सारी जो बातें निकल रही हैं उसको किस तरीके से देखते हैं? चुनाव के पहले अपने कार्यकर्ता इकट्ठा रखने के लिए हर पार्टी को काम करना पड़ता है, वैसे वो भी काम कर रहा है, उसमें क्या है? महाविकास अघाड़ी को आने वाले महाविकास अघाड़ी बंद मुट्ठी की तरह बंद मुट्ठी है, कड़क मुकाबला कड़क होगा, मुकाबला होगा ही नहीं, होगा ही नहीं, स्वीप कर रहा है। कितनी सीट आएंगे सर अंदाजन अगर स्वीप की बात करते? 175 के ऊपर आएंगे। बाउंस बैक की जो बात कर रहे हैं, बाउंस बैक तो स्प्रिंग की इलास्टिसिटी होती है ना वो खत्म, स्प्रिंग पूरी दब गई, बाउंस बैक के लिए इलास्टिक चाहिए ना, इलास्टिक नहीं, लोगों का भरोसा चाहिए, लोगों का विश्वास चाहिए, लोगों का विश्वास ही नहीं। कई नेता देवेंद्र फडणवीस को महाराष्ट्र की राजनीति का विलन कहते हैं सर, इसको किस तरीके से आप? वो मेरे अच्छे दोस्त है संजय राउत ऐसा कह रहे हैं, वो मेरे अच्छे दोस्त है। राजनीति में कोई विलन नहीं होता है, कोई डॉन नहीं होता है, वक्त की समीक्षा करना सीखना चाहिए। वक्ती तौर पे आज उनको महाराष्ट्र में सेटबैक बैठा है और सेटबैक बैठा रहेगा, तो कौन क्या बोलता है कौन क्या बोलता है मुझे पता नहीं, लेकिन मैं ऐसे व्यक्तिगत आरोप किसी के ऊपर नहीं करूँगा। आखिरी सवाल सर, अजीत पवार को आपको लगता है कि ये जो बीजेपी की हार हुई महाराष्ट्र में उसके लिए टारगेट किया जा रहा है? बिल्कुल, अब उत्तर प्रदेश में भी हार हुई, आपकी भी बंगाल में भी हार हुई, वहाँ किसी के बारे में बोलते नहीं आप। राष्ट्रीय भूखमारी थी,
लोगों को काम नहीं था, बेरोजगारी थी, तरकारी ये गेहूँ चावल आटा सब महंगा हो रहा था, महंगाई थी। और ये सब होने के बाद अगर भाजपा के कारण इन लोग सब हारे हैं महाराष्ट्र में, तो भाजपा के नेताओं से पूछो ना, तुम अजीत दादा को क्या उंगली दिखा रहे हो, अजीत दादा हारे, अजीत दादा ने हरवा दिया, अजीत दादा ने हरवा दिया, अजीत दादा ने क्या किया? और अगर अजीत दादा हरवाने वाले थे, उनका पक्ष आपको ऐसा लग रहा है कि, तो बीजेपी तो बहुत आगे की सोच रखने वाली पार्टी है, तो सोच में गड़बड़ी हो गई क्या? किसका भी ऐसा उपयोग करके फेंक देने की बात जब आती है, लोगों को अच्छा भी नहीं लगता। तो तुम्हारा काम था, तुमने उसको ले लिया, काम खत्म, मोहब्बत खत्म। उनसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो ये थे जितेंद्र पवार, जिनका साफ तौर पर कहना है कि सॉफ्ट जो है टारगेट अजीत पवार बन चुके हैं, जिनको लेकर इस तरीके से बार बार बयानबाजी हो रही है। और आश्चर्य ये है कि उनके साथ के गए हुए लोग इसके बारे में आवाज क्यों नहीं उठा रहे हैं, ये बेहद ज्यादा अफसोसजनक है। तमाम अरुण देवरुखकर के साथ अतुल सिंह, इंटरव्यू मुंबई।